हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने वाली हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम इंडियन हॉकी टीम पर, जो कि ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। और इंडिया के पास बहुत से मेडल्स आए हैं, सिल्वर मेडल भी आया है, ब्रॉन्ज भी आया है, सो एक दिन गोल्ड भी आएगा। सो लास्ट टाइम, वैसे लास्ट ओलंपिक्स में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, लेकिन इस दफ़ा देखते हैं कि अब हॉकी टीम पे। फिलहाल तो मैं रिएक्शन करने वाली हूँ और देखती हूँ कि हॉकी टीम कैसी है इंडिया की। फर्स्ट टाइम, इट्स माय फर्स्ट रिएक्शन ऑन हॉकी टीम, सो लेट्स सी। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ जाकर आप मुझे वीडियोज़ वगैरह भेज सकते हैं। और मुझे ज़रूर सजेस्ट करना मज़ीद वीडियोज़, एंड लेट्स प्ले दिस वन। अच्छा, मैंने सुना है 52 आफ्टर 52 ईयर हराया इंडिया ने, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को। वाओ, जो कमेंट्री कर रहे हैं उसकी एक्साइटमेंट देखो। आफ्टर द विन। अच्छा, क्रिकेट के अलावा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जिन ओलंपिक 4 साल बाद आता है ना, तो इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है हर कंट्री में हर गेम को। ये पंजाबी ज़्यादा लग रहे हैं। विद इंडियन फ्लैग। मुझे पता नहीं था इंडियन हॉकी टीम इतनी आगे है, मतलब हॉकी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, हमेशा क्रिकेट क्रिकेट ही होता रहता है। वाओ, ये था विनिंग। एक हरमनप्रीत है ना, हरमनप्रीत काफी मशहूर नाम है हॉकी में, मैंने आजकल तो बड़ा सुन रही हूँ। ब्रॉन्ज मेडल काफी आए इंडिया में। कमेंटेटर्स की एक्साइटमेंट देखने वाली थी। ऐसे सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम हॉकी देख रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। ही इज हरमनप्रीत, राइट? अच्छा, जो वुमेन क्रिकेट की कैप्टन है वो भी हरमनप्रीत है, तो दोनों का सेम नाम है। इंडियन हॉकी टीम प्लेइंग पेइंग रिस्पेक्ट टू मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद कौन है? शर्ट सेलिब्रेशन। क्रिकेट में भी ऐसे हुआ था जब गंगुली बिफोर द मैच इन द टीम मीटिंग वी हैड अ नॉर्मल टीम टॉक and Graham or team coach, he said, everyone stand on the chairs. So we all stand like this. And he said, just close your eyes and feel it like somebody is putting that bronze medal. Everyone got that goosebumps. You feel like, what are we getting? And he said, just go for it. तो वो जो इमेजिनेशन थी उनकी, वो
हो गई है, रियलिटी में बदल गई है। ग्रैंड वेलकम एट दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा कितनी मुश्किल से ये हुए हैं, गोल्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं। अच्छा काफी गेम्स है ओलंपिक्स में जिसमें इंडियंस इस दफा यू नो नाम आ रहा है सबका। ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 336 ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕಗಳು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನ 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ 2 ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಪಿ ಆರ್ ಸುಜೇಶ್ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಯ ಮಹಾಗೋಡೆ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ 2008 did not qualify Edison 12 in 2024 में medals after 52 years अच्छा मेडल 52 years बाद मिला ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 52 years से बाद हराया बस न्यू जनरेशन इज ग्रेट स्पोर्ट्स आई थिंक इज अ रियल हैप्पीनेस फॉर पीपल आजकल स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इमोशंस लोगों के जुड़ जाते हैं ओलंपिक्स ने तो पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया ओह माय गॉड ही गॉट सो इमोशनल यही है ओलंपिक्स में इस दफा नॉट ओनली इंडिया नॉट ओनली पाकिस्तान हर कंट्री के लोगों को मैंने ऐसे इमोशनल होते हुए ही देखा है बहुत कम ऐसा होता है क्रिकेट मैच चल रहा हो सीटिया हॉकी के लिए बज गए पहले बार ऐसा हो रहा है क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 52 सालों बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया सेमीफाइनल में लगातार दूसरे ओलंपिक में और ब्रिटेन का मैच थोड़ा बेमानी वाला था हमें रेड कार्ड दे दिया गया था हम 10 प्लेयर के साथ खेले थे 48 मिनट तक 60 मिनट लेकिन इसके बावजूद एक एक पे गेम बराबर रहा उसके बाद शूट आउट शुरू हुआ ब्रिटेन ने पहला गोल किया अच्छा ये कौन सी टीम के साथ था मैच आई थॉट इट वाज विद ऑस्ट्रेलिया एक मौका बनाया और उसके बाद एक और हमने गोल किया और इंडिया 4-2 से ये मैच जीते इंडिया के जो कीपर है सुजेश अच्छा ये जीतने के बाद वो पहुंचा होगा ना नेक्स्ट टीम के साथ हॉकी में इंडिया को गोल्ड मेडल मिले लेट्स चीयर अप फॉर इंडियन हॉकी नेक्स्ट टाइम मे बी फिंगर क्रॉस ये लड़कियां बहुत यार इंडियन लड़कियों ने बहुत ज्यादा जो है ना किया है हैरान किया है कि यू नो वुमन एम्पावरमेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है बट चलो जो है यही है जिनसे गोल्ड की उम्मीद वो ब्रांस पे खत्म करे और जिनको ब्रांस की उम्मीद थी भाई वो उससे भी नीचे हो गए लेकिन कोई नहीं है रखो बट कोई बात नहीं इंडिया बहुत प्रोमिनेंट और रहा है काफी गेम्स में कभी तो होगा नहीं रोगे तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा भाई तो इंडिया के बहुत से लोग इंक्लूडिंग लड़कियां बहुत सी गेम्स में जो है नज़र आई हैं चाहे ब्रॉन्ज मेडल जीते उन्होंने लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर कि ओलंपिक्स ने पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर दिया है पूरी दुनिया के लोगों के इमोशंस नज़र आ रहे हैं जो भी टीम्स जीत रही हैं या जो हार रहे हैं या जिनको जो भी मेडल्स मिल रहे हैं सब मेडल मेडल है वो जो तीन लोग खड़े होते हैं वो तीनों ही विनर होते हैं मुझे तो लगता है
और हॉकी टीम इंडिया की 52 ईयर्स के बाद वो ये उनको मिला है कि वो सेलिब्रेट कर सकें। सो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा ओलंपिक्स में। काफ़ी ज़्यादा प्रपोजिंग मूवमेंट्स भी हुए। जो मैंने लास्ट वीडियो पे रिएक्शन किया था उसमें कुछ वीडियोस थी ऐसी। सो ओलंपिक्स मुझे पता नहीं था, मैंने कभी ओलंपिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। अभी 4 साल के बाद ओलंपिक्स आया, सो अब थोड़ी सेंस आई है गेम की, स्पोर्ट्स की। जब से मैं रिएक्शन कर रही हूँ तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी चीज़ है यार। वो मतलब आपस में सब वैसे अगर लड़ते रहते हैं, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस और ये मीडिया में जो कुछ चल रहा है, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सबको इकट्ठा कर रही है। तो वो अच्छा लगा देखकर। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। कीप सजेस्टिंग मोर वीडियोज़ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।